आप देख रहे हैं खुद ड्राइवर जो है थोड़ा ये बर्फ उठाकर थोड़ा अपने लैट्रिन पेशाब के लिए रास्ता खोल रहे हैं, तो ये नेशनल हाईवे की बात है। अब 3 साल हो गए चलते हुए, हर साल यही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सर अभी कुछ भी नहीं है हमारे पास, ऐसे ही कोई किसी घर से पानी लेते हैं वो भी नहीं देते हैं, कोई पानी की नहीं है यहाँ पे, कोई किसी की नहीं है, कोई भी आता है वही डांटता है सर हम ड्राइवर लोगों को। 300 किलोमीटर तवील रास्ते पर फैला हुआ श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा कश्मीर को पूरी दुनिया से जोड़ने वाला वाहिद जमीनी रास्ता है, जो न सिर्फ कश्मीर के लिए बल्कि हिंदुस्तान के लिए हर लिहाज से एक वाहिद और अहम तरीन रास्ता है, जो मौसम सरमा में अक्सर हफ्तों तक बंद रहता है, जिसकी वजह से लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सड़क की खस्ता हालत और हफ्तों तक बंद रहने से लोग अक्सर हादसात का शिकार होते रहते हैं। हाल ही में पेश आए एक ऐसे ही वाकये में कुपवाड़ा जिले से ताल्लुक रखने वाले दो आम शहरी कौमी शहरा के हफ्तों तक बंद रहने के बायस शदीद सर्दी की जद में आकर दम तोड़ गए। एक सरकारी एदादोशुमार ने इंकशाफ किया है कि पिछले 10 सालों से इस खूनी शहरा पर 8,000 से जायद सड़क हादसात हुए हैं, जिनमें तकरीबन 1,800 से जायद हलाकतें हुई हैं। होते हैं जो गाँव में कोई बीमार भी होता है, कोई डिलीवरी केस भी होता है, उसको कैसे फिर वो गाँव वाले इस नेशनल हाईवे के ऊपर चलो पहुंचा देंगे, तो इधर यहाँ इस नेशनल हाईवे की हालत तो देख रहे हो, फिर हॉस्पिटल में कैसे उसको पहुँचाएंगे। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन के जरिए जमा करदा एक एदादोशुमार के मुताबिक श्रीनगर जम्मू शहरा पर 2010 से 2020 के दरमियान कुल 8,128 हादसात रिपोर्ट किए गए हैं, जिनकी वजह से 1,750 अमवात और 12,131 लोग जख्मी हुए हैं। एदादोशुमार के मुताबिक खास तौर पर बानिहाल से चंद्रकोट तक के रास्ते पर सबसे ज्यादा हादसात पेश आते हैं। कौमी शहरा के बंद रहने से जहां एक तरफ आबादी के ताजर बरादरी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, जो आए दिनों हुकूमत की गैर संजीदगी को लेकर एहतजाज करते नजर आते हैं, और शहरा बंद होने की वजह से वादी में अशियाए खुर्दन की कमी वाकया होने के साथ साथ कीमतें आसमान को छूने लगती हैं, लोगों के आने जाने में मुश्किलात दरपेश आती हैं। वहीं इस शहरा के बंद होने से तरह तरह के सिक्योरिटी खदशात भी लाहक रहते हैं, खासकर ऐसे हालात में जब हिंदुस्तान अपनी हमसाया ममालिक की जानिब से बॉर्डर पर बढ़ती कशीदगी की वजह से आए दिनों खबरों में रहता है। ऐसे में एक वाहिद जमीनी रास्ता अगर बंद हो जाता है तो ऐसे में कोई भी गैर यकीनी हादसा पेश आने के हमेशा खदशात रहते हैं। वाजह रहे कि जम्मू श्रीनगर शहरा के तमाम रास्तों को 4 लेन में अपग्रेड करने के लिए हुकाम ने कई साल कबल एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, और इस प्रोजेक्ट को 2013 में मुकम्मल होना था, ताहम श्रीनगर बानिहाल रोड लिंक की तामीरात मुतहदा डेडलाइंस पार कर चुकी है, मगर अभी भी ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। अपने एक बयान में NHAI के अहदेदारान ने इंकशाफ किया था कि उधमपुर रामबन सेक्शन पर चल रहा काम, जिसे दिसंबर 2019 तक मुकम्मल करने का हदफ था, अब दिसंबर 2020 तक मुकम्मल होने की उम्मीद थी, जबकि इस काम में 4 लेन पर चल रहे काम में मजीद 2 साल लग सकते थे। रामबन और बानिहाल सेक्शन पर वक्त पर काम मुकम्मल न होने की वजह से NHAI ने दिसंबर 2021 को इस मनसूबे के लिए एक और आखिरी डेडलाइन मुकरर की है। NHA के सीनियर अफसर के हालिया बयान के मुताबिक उधमपुर रामबन सेक्शन पर अब तक 60% काम मुकम्मल हुआ है, जबकि रामबन बानिहाल हिस्से पर सिर्फ 19% काम अंजाम पाया है। उधमपुर रामबन सेक्शन गोमेन इंडिया के जेर अमल में है, जो मुल्क की सबसे बड़ी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तामीराती कंपनियों में से एक है, जिसका तखमीना लगभग 1,710 करोड़ रुपए है, जबकि रामबन में इस मनसूबे की लागत 2,01,068.66 करोड़ रुपए है। 4 लेन मनसूबे को 6 जिली मनसूबों में तकसीम किया गया है, जिसमें जम्मू उधमपुर रोड 65 किलोमीटर, चनैनी नाश्री सुरंग 9.2 किलोमीटर, रामबन उधमपुर रोड की चौड़ाई 43 किलोमीटर, बानिहाल रामबन सड़क 36 किलोमीटर, काजीगुंड बानिहाल रोड 15.25 किलोमीटर और श्रीनगर बानिहाल रोड 67.7 किलोमीटर शामिल हैं। वाजह रहे शहरा को वसी करने का काम सन 2011 में शुरू किया गया था, और इसके आगाज से 5 साल में इसे मुकम्मल करने का हदफ था। याद रहे कि शहरा को 4 लेन बनाने से जम्मू और श्रीनगर शहरों के दरमियान फासला 50 किलोमीटर कम हो जाएगा, मौजूदा 9 से 10 घंटों का सफर महज 5 घंटों का रह जाएगा।